गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 8th of June। पेंगोंग लेक में रात में रुके थे और आज हम लोग निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर की तरफ, क्योंकि हमने सुना है कि मनाली जाने वाले रास्ते पे जो 3 पासेज हैं उन तीनों पे अच्छी बर्फ है, और हमने अभी तक जो खरदुंगला में कल हमें जो बर्फ मिली थी उससे हमारी हालत बहुत ज्यादा ही पस्त हो गई है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब हम उस रास्ते पे दोबारा से जाएं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ से लेह जाएंगे और लेह से श्रीनगर जाएंगे। लेट्स सी कि हम लोगों को कितना टाइम लगता है। एंड राइट नाउ इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। यस्टरडे आई शो यू द ब्यूटी ऑफ द पेंगोंग लेक इन द इवनिंग, एंड टुडे आई विल शो यू द मॉर्निंग ब्यूटी ऑफ द पेंगोंग लेक। It's just awesome। ठंड जितनी है उतनी ही तेज धूप भी है, तो जिससे न ठंड पता चल रही है न ही धूप। वो हमारी कार खड़ी है, ठीक उसके पीछे हमारा टेंट है 6 नंबर का। नेचर की अगर ब्यूटी देखनी है और पहाड़ों की अगर ब्यूटी देखनी है तो आप लोगों को एक बार पेंगोंग लेक जरूर आना चाहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट आई सजेस्ट कि पेंगोंग लेक आना चाहिए। अभी मैंने बालों में कॉम नहीं किया है, बट क्या करें, आफ्टर टेकिंग ऑफ अ गुड ब्रेकफास्ट नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर कार, और अब थोड़ी देर के बाद पेमेंट करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे लेह की तरफ। थोड़ा सा पहले गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना जरूरी होता है। तो कोल्ड स्टार्ट हमने कर लिया अपनी गाड़ी, दूसरे सेल्फ के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई है, पर कोई नहीं, ठीक है ये भी। और अब हम लोग पेंगोंग लेक से निकल रहे हैं, तो अब हम आपको रास्ते में मिलते हैं। यहाँ की टेंटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे 4500 रुपीज़ फॉर 3 पर्सन उन्होंने चार्ज किया था, उस जिसमें इंक्लूड किया था ऑल टाइम रनिंग वाटर। आपको गर्म पानी भी मिलेगा, ठंडा भी मिलेगा, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रात का डिनर एंड सुबह का ब्रेकफास्ट भी ये लोग उसी में इंक्लूड करते हैं। ये तो मतलब हाँ, फिर मज़ा नहीं आता टेंट में रहने का भाई। अब चाहे 2 घंटे लेट चले जाएंगे, बट तू कट धीरे मारेगा भाई, सीधा रोड आएगा, मैं तेज चला ले, 100 चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट तू कट ऑफ है ना, बहुत गंदी काटते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे इस जगह पे आपको इंडियन फ्लैग दी है भाई, इंडियन फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है। और आगे कुछ बाइकर्स लोग भी निकल चुके हैं, ये भी पीछे हो लिए भाई सब, यहाँ से देख के मनाली यहाँ से 629 किलोमीटर है और दिल्ली यहाँ से डिक्टो 1200 किलोमीटर है। और अभी का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस और 7:50 हो रहे हैं। करू से हम लेह की तरफ आ जाएंगे, तो बीच में से एक रास्ता कटेगा जो लेह में ना जाके श्रीनगर की तरफ चले जाएगा, मतलब उसमें हॉल ऑफ फेम भी हट जाएगा, वो सीधे सीधे वो सीधे सीधे मतलब उस रूट पे सीधे मैग्नेटिक हिल से थोड़ा सा पहले ही पत्थर साहिब गुरुद्वारे के पास ही आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं जो हमें आज दिखे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम। जब लास्ट ईयर हम लोग आए थे तो ये हम लोग ये हमें नहीं दिखे थे। ये देखिए हम कितने पास से इनकी फोटो खींच रहे हैं, और ये बहुत ही क्यूट से हैं। ये देखिए इनकी बैलेंसिंग कितनी बढ़िया है। वैसे तो हमारा मूड नहीं था रुकने का, बट इन लोगों को देख के हमारा बहुत अच्छा मूड बना है रुकने का। हमने सोचा चलो यार, फर्स्ट टाइम हमें दिखे हैं यहाँ के एनिमल। इसी में आते वक्त हम दोबारा से दुर्बुक में रुके हैं ताकि कुछ कोल्ड ड्रिंक ले सकें, क्योंकि अपने आप को हमें वाटर लेवल भी हमारा बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और आप एक व्यू देखिए।
इधर से जो रास्ता आ रहा है वो नुब्रा की तरफ से आता है, फिर इधर की तरफ जो मुड़ जाता है वो रास्ता पेंगोंग की तरफ जाता है, और जो सीधे सीधे रास्ता जा रहा है वो अब लेह की तरफ चला जाएगा। और अब हम दुर्बुक से, पेंगोंग से आते वक्त दुर्बुक से हमें लेफ्ट मुड़ना था जो लेह की तरफ रास्ता निकालता है, और इस टाइम पे 9 बज रहे हैं, और यहाँ से करू जो है जहाँ पे हमें फर्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा वो 80 किलोमीटर है यहाँ से। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन आर्मी वालों ने लिखी हुई है, नेवर गिव अप। तो लेह से जो पेंगोंग आते होंगे डायरेक्ट, वो इधर से आते होंगे ना, हाँ 100 किलोमीटर भी कम पड़ते हैं ना, और उधर भी नहीं जाना पड़ता उन्हें। अभी शायद हमें यहाँ पे एक पास दिखेगा, शायद चंगलंगला, ये रूट जो है वो पेंगोंग से ले जाने का ये सबसे छोटा रूट है। पेंगोंग से इस ले का रूट जो है वो नियर अबाउट 120 किलोमीटर से है, के इसलिए जो जिनको केवल पेंगोंग लेक आना है वो इस रूट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्रॉम ले, फ्रॉम पेंगोंग लेक टू ले टोटल डिस्टेंस जो है वो है 150 किलोमीटर, बट फ्रॉम दुर्बुक टू ले इट्स ओनली 115 किलोमीटर। देखते हैं पिछले 2 दिनों में हमारे नंबरों पे कितने व्हाट्सएप आए होंगे, क्योंकि कॉलिंग की फैसिलिटी तो पता नहीं चलेगी, बट हाँ मैसेजिंग की फैसिलिटी पता चल जाती है व्हाट्सएप मैसेजिंग की। करू 50 किलोमीटर, और इसी के साथ 3 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। लेट्स सी कि आगे और कितना कम होगा। के साथ हम लोग बर्फीले इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब 2 डिग्री टेम्परेचर भी हो चुका है, और अब इसके साथ साथ थोड़ा सा डरावना भरा पथ आ गया है। और 1 डिग्री टेम्परेचर आज का हो चुका है अभी तक, ये एंड द टाइम इज 9:43, और अब हमें थोड़ी थोड़ी वाटर हर्डल्स मिल रही हैं, और इन पे हाथ भूल के भी मत लगाइएगा इन बर्फ पे, क्योंकि ये बहुत ही देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं बट ये बहुत ज़्यादा ही पहने हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्नो तो है बट रोड पे नहीं है, और कल हमें रोड पे स्नो मिली थी जिसकी वजह से हमारे टायर जो थे वो स्किड कर रहे थे। 10 बज चुका है,
हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव हमारी हो चुकी है और हमने अभी तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया। एवलांच प्रोन जोन है ये, कभी भी पत्थर आके गिर सकते हैं नीचे। कल रात में ही बर्फ पारी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितनी वाइट स्नो है। एंड नाउ द टेम्परेचर इज -1। दिस एरिया इज कॉल्ड एज एवलांच एरिया। यहाँ पे एवलांचेस आते रहते हैं, इसलिए इस एरिया में जितना हो सके कम से कम हॉर्न और कम से कम नॉइस वाले आप व्हीकल यूज करिए। एंड राइट नाउ टेम्परेचर इज -2 degrees। आई थिंक एवलांच एरिया से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत पत्थर हैं, जो पत्थर गिरते हैं और गिरने के साथ साथ बर्फ को अपने साथ खींच के लेके आ जाते हैं। एंड अब हम शायद चंगला पास पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे हमें एक फोटो सेशन होगा हमारा। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे आए थे, कोई भी नहीं था, है अंधेरा था, तो अंधेरा होने वाला था तो हम लोग निकल गए। हमने सोचा भाई क्या है ये, वी आर एट माइटी चंगला। लुक एट द 360 व्यू ऑफ चंगला पास। बहुत ही अच्छा है ये, जो येलो वाला आप देख रहे हैं ये चंगला पास का बोर्ड है। सारी उतर आई है, कल तो हमारी खरदुंगला में हालत खराब हो गई थी बट आज यहाँ पे स्नो तो तकरीबन उतनी ही है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम है क्योंकि कल -5 तक गया था टेम्परेचर और आज यहाँ पे हमें -2 टेम्परेचर मिला है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।